गेल में बहुत अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, और ऑप्शन चेन डेटा में हम देख रहे हैं कि 162.50, 165 में भी अनवाइंडिंग होना चालू हो गया है। तो मेरा मानना है कि आपको 155 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, जो कि अभी 5 रुपए के आसपास मिल रहा है। ये इधर बाय करने की सलाह है। और जो टारगेट रहेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा वो 4 रुपए का, 1 रुपए का रिस्क रहेगा। और जिस तरीके से अप मूव आ रही है, मेरा मानना है कि 7 रुपए से 7.60 रुपए के टारगेट्स आपको गेल में देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये इसका कारण ये है कि एक तो अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, कल का टॉप इसने तोड़ दिया है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लगता है कि ये आज के लिए स्पॉट में आपको लगभग 159 के आसपास तक लेके जा सकता है, और 160 के ऊपर की क्लोजिंग उसको और दिशा देगा। और इवेंचुअली मुझे लगता है कि अगर एक हफ्ते का वक्त देते हैं तो 165 के लेवल्स आपको गेल में देखने को मिलेंगे। तो 155 का कॉल ऑप्शन, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 4 रुपए, टारगेट 7 रुपए, 7.60 रुपए आज के लिए। रेड्डी को खेता स्टॉक लेके झूमने के अब क्या कारण है वो बताता हूं। पहले वन ऑफ द फाइनेस्ट और लार्जेस्ट वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर है आईएमएफएल का। 80% रेवेन्यू आईएमएफएल से आती है, साथ ही साथ प्रीमियम कैटेगरी जिसे प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी कहते हैं ये लोग, ये कैटेगरी में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ये कैंटीन में भी अब इनके प्रोडक्ट्स पाए जा रहे हैं, प्रीमियम कैटेगरी में नए नए लॉन्चेस है। और कल की जो खबर पंजाब ने 30 से 40% ड्यूटी घटाने की बात कर दी है, तो इससे भी एक वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी देख सकते हैं। सारे ही अल्कोहलिक बेवरेजेस वाली कंपनी इंक्लूडिंग रेडिको खेतान बहुत बेहतरीन कंपनी और कॉम्पिटिटर में प्रीमियम कैटेगरी में ये अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है। तो रेडिको खेतान पे खरीदारी की राय है, टारगेट होगा 1040 का।